नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मेरा नाम है योगिता महेश्वर। शनिवार का दिन बेहद खास रहने वाला है। तारीख है 18 मई 2024। भाई अब सीएसके फैंस बोलेंगे 8-1 7 थाला फॉर अ रीजन। सीएसके की बात रही एक तरफ, बात आरसीबी की भी कर लेते हैं। इसी चर्चा को और भी ज्यादा मजेदार बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद है निखिल और मनीष। तो आइए इस खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि चेन्नई का क्या पॉइंट स्कोर, क्या वो टेबल में भी कहाँ है, क्या उनका पॉइंट स्कोर चल रहा है, क्या रन रेट, और इन सब के बारे में पहले हमारे व्यूअर्स को बताइए। गणित को देखेंगे, अगर आप स्टैट्स को देखेंगे तो फिलहाल 14 अंक है धोनी की टीम के पास में और विराट की टीम के पास 12 अंक है। विराट के लिए करो या मरो की लड़ाई है और धोनी की टीम के लिए भी। अगर सीएसके को इस जंग में अपनी जगह बरकरार रखनी है, प्लेऑफ में जाना है, इसके लिए उनका सबसे मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या हो सकता है कल के मैच के लिए? देखिए, सीएसके की टीम हमेशा से संतुलित रही है। अगर हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की टीम की, लेकिन अब वो ऋतुराज गायकवाड़ की टीम है। कप्तान फ्रंट से लीड कर रहे हैं, 500 प्लस स्कोर है और रविंद्र जडेजा हमेशा से किफ़ायती हैं और रन भी बना दे रहे हैं। लेकिन मुझे इस टीम की जो समस्या दिख रही है वो धोनी की दिख रही है। धोनी खुद अपने मन से ही बैटिंग करने आ रहे हैं, कभी 7 पे, कभी 8 पे, कभी 9 पे, कभी ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं वो चोटिल हैं, कभी उनको बैक पेन रहता है। लेकिन कल के मैच में अगर सीएसके को पूरी जी जान लगाना है तो धोनी को टॉप 5 में उतरना पड़ेगा। आरसीबी के लिए कल का मैच जीतना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं, इसके लिए क्या सिचुएशंस है इसके बारे में भी जान लेते हैं। मान लीजिए हिसाब लगाया जाए कि अगर 200 रन अगर ये लोग बनाते हैं, धोनी की टीम अगर 200 रन बनाती है तो उन्हें कम से कम 11 बॉल पहले, यानी सीधा सीधा दो ओवर पहले ही जीत हासिल करनी होगी। ये आसान काम नहीं होगा उनके लिए। अगर धोनी की टीम बाद में बैटिंग करती है तो इन्हें 18 रन के अंदर से हराना होगा, यानी आसान नहीं होगा मुकाबला। बेहद दबाव में होगी विराट कोहली की टीम। अगर इस मैच में बारिश हो जाती है तो विराट की टीम की उम्मीदें वहीं खत्म हो जाएगी। एक पॉइंट लेकर धोनी की टीम आराम से प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन अगर विराट की टीम को प्लेऑफ के लिए यानी अगले राउंड में पहुंचना है तो उन्हें जमकर मेहनत करनी होगी। आरसीबी अपने होम ग्राउंड में खेलेगी। क्या क्या है स्टेडियम में, क्या स्टेडियम के बारे में, पिच के बारे में कुछ खास जानकारी? जो चिन्नास्वामी स्टेडियम है उसे बल्लेबाजों का ऐसगाह माना जाता है और गेंदबाजों का कब्रगाह, क्योंकि यहाँ की बाउंड्री छोटी है और पिच चूंकि टेस्ट या वनडे वाली बात नहीं है 20-20 ओवर के खेलने, तो पिच यहाँ फ्लैट ही रहेगी। आपने देखा होगा कि इस सीजन में आईपीएल में ही सबसे ज्यादा छक्के लगे, छक्कों के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। आरसीबी ट्रॉफी लिफ्ट करेगी या नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है हर एक आईपीएल के शुरू में, बीच में, यहाँ तक कि आईपीएल खत्म भी होता है तो भी इस पे बहुत मीम्स और सोशल मीडिया पे सवाल बहुत वायरल रहता है कि क्या आरसीबी ट्रॉफी लिफ्ट कर पाएगी। इसी को देखते हुए सर, आप हमें ये बताइए कि अभी तक सीएसके और आरसीबी के बीच में कैसे आईपीएल में मैचेस रहे हैं, क्या एक हिस्ट्री रही है इन दोनों टीम्स के मुकाबले में? विराट, खास करके जब से विराट कोहली जब भी फॉर्म में होते हैं तो लोगों की बहुत उम्मीदें होती है, लेकिन अगर आंकड़ों पर नज़र डालेंगे आप तो यहाँ पर पलड़ा थोड़ा चेन्नई का भारी लग रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक आईपीएल के इतिहास में 32 मुकाबले हुए हैं, यहाँ पर कुल मिलाकर 21 मैचों में चेन्नई को जीत मिली है और सिर्फ 10 मैचों में यहाँ बेंगलोर को जीत मिली है। मैं आपको बता दूं कि आईपीएल 2024 में इन दोनों टीमों के बीच में जो मुकाबला हुआ है उसको सीएसके ने ही जीता है, तो इस हिसाब से भी देखेंगे तो आईपीएल 2024 में भी आरसीबी पे भारी रही है सीएसके। इस बार का मैच जो है वो बॉलर से कम ज्यादा बैट्समैन पे ज्यादा फोकस रहा है इस साल के सीजन में, तो आरसीबी के पास ऐसे कौन से बैट्समैन है जो शायद कल चले और आरसीबी को फिर से एक बड़ा कमबैक इस सीजन में देखने को मिल सकता है? देखिए, एक से एक बल्लेबाज है आरसीबी के पास में और जहां तक आंकड़ों की बात है तो चार ऐसे खिलाड़ी उनके पास में जिन्होंने इस आईपीएल में 300 से ज्यादा स्कोर किए हैं। खुद विराट कोहली आगे से आगे खेल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं और उन्होंने 600 से ज़्यादा रन बनाए हैं इस आईपीएल में, तो विराट के ऊपर फिर से दारोमदार होगा। वो लगातार अच्छा खेल रहे हैं। इसके अलावा जो उनके दूसरे बल्लेबाज हैं, चाहे डुप्लेसी की बात करें हम लोग या फिर जो उनके दूसरे कार्तिक हैं, वो भी लगातार रन बना रहे हैं। इसके अलावा खुद विराट कोहली ने 661 रन बनाए हैं। पाटीदार भी अच्छा खेल रहे हैं, तो ये सारे लोग अच्छा खेल रहे हैं। डुप्लेसी भी 300 से ज़्यादा रन बनाए हैं,
तो ये एक लंबी चौड़ी फौज है बल्लेबाजों की विराट की टीम के पास। तो अभी अगर हम इस पूरे डिस्कशन को एक पॉइंट पर लाके खत्म करें कि क्या आरसीबी जीतेगी या सीएसके, तो आप दोनों को क्या लगता है किसका साइड ज्यादा भारी रहने वाला है? देखिए, कहना आसान नहीं होगा। मेरे ख्याल से धोनी एक धुरंधर खिलाड़ी है, लंबा अनुभव रहा है उनका, और वो दबाव झेलना जानते हैं। दबाव में कैसे युवा खिलाड़ियों से, यंग प्लेयर से खेल निकाला जाए, उन्हें अच्छी तरह पता है। दूसरी तरफ विराट कोहली, मुझे लगता है कि विराट कोहली थोड़े नौसिखिए हैं इस मामले में, क्योंकि उनका कप्तानी के तौर पर बड़े मैचों में, बड़े टूर्नामेंट में रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं रहा है। तो हो सकता है कि दबाव वाले गेम में, मैच में विराट कोहली थोड़ा सा टूट जाए और धोनी की टीम वहाँ बाजी मार जाए। बाकी निखिल, आपकी क्या राय है, आप कह सकते हैं? इसमें सिर्फ आरसीबी जीतने के लिए नहीं खेल सकती है, तो इनमें पहले से एक प्रेशर होगा। जब आप मैदान पर उतरेंगे तो आपको पता है कि अगर आप 200 बना रहे हैं तो सामने वाले को 181 पे रोकना है, या सामने वाले ने 200 बनाया है तो उसको आपको 20 की जगह 18 ओवर में जीतना है। तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर के साथ आरसीबी उतरेगी। आईपीएल 2024 का सीजन बिना धोनी की चर्चा हमारे कैप्टन कूल के खत्म नहीं हो सकता। सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये धोनी का आखिरी सीजन होगा? धोनी छोड़ने वाले नहीं है, मैदान से जल्दी हटने वाले नहीं है। मुझे लगता नहीं कि इनका आखिरी आईपीएल है, वो जरूर अगले साल भी आएंगे। और हर किसी को हैरान किया हर बार धोनी ने, धोनी आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि धोनी अब कोई कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेलते साल भर। तो ये लोग लगातार इसमें भविष्यवाणियां करेंगे कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि धोनी एक और सीजन खेल सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की खास वीडियो सीएसके वर्सेस आरसीबी के ऊपर। शनिवार का मैच बेहद रोमांचक रहने वाला है। आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देखते रहें लोकल 18।